हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बात करने वाले हैं कि कोई भी आप जो है नया कंस्ट्रक्शन साइट जो है आप ओपन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कई बार तो हमें जो है जो भी हम जिस लैंड पर अपना काम करने वाले हैं वो तो हमें कई बार डायरेक्टली जो है क्लीन मिल जाता है, राइट। और कई बार होता है हमें कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन साइट मिलता है जहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा जो है जंगल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिस तरीके से आप इस साइट पर देख रहे होंगे, इस साइट का जो मैं आपको टोटली एरिया बताऊं तो वो लगभग मेरे पास जो है 42 एकड़स में जो है ये मेरा जो है कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है ना। तो अब इस कंस्ट्रक्शन साइट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमारा ये टारगेट बन गया है कि इसको जो है पूरे तरीके से हर साइड से जो है इसको क्लीन करना होगा, ठीक है ना। तो आज इस क्लीन करने के लिए देखेंगे आप जो है दूर दूर तक आपको जो बहुत सारे यहाँ पर जो है जंगल देखने को मिल रहे होंगे और कुछ दूरी पे देखेंगे यहाँ पर ये ऑलरेडी सफाई यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है इसी सफाई के ऊपर है कि इस जंगल को सफाई करने में आपको जो है कितना खर्चा लगने वाला है, ठीक है ना। तो वो जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग यहाँ पर जो है रेट मिलता है, ठीक है ना। मेरा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो खर्चा आने वाला है मैं उसकी इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि मेरा जो है कितना खर्चा यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे आपको जो है यहाँ पे दूर में जो है अभी जंगल खड़े हैं और कुछ दूरी कुछ बहुत सारे एरिया में जो है ऑलरेडी सफाई हो चुकी है और बहुत सारे साइट पर जो है अभी जो है दूर दूर तक जो है बाकी एरिया पर जो सफाई चालू है। ये ट्रैक्टर के थ्रू जो हम सफाई करवा रहे हैं और इस ट्रैक्टर के जो पीछे एक रीपर लगा हुआ है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में है और वो मोटर के माध्यम से वो चल रहा है और ये सारे जो है जंगल की सफाई बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही तरीके से देखेंगे आप कर रहा है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक यहाँ पे सफाई हो चुका है, ठीक है। इसी के कॉस्ट पे हम जो है डिटेल में हम जो है बात करने वाले हैं। देखिए कुछ जंगल हमारे पास इस टाइप का है, ये जो आप नॉर्मली यदि आप कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करवाते होंगे तो आपको जो है पता ही होगा इस टाइप का जंगल यहाँ पर खड़ा है, लेकिन इस जंगल में डायरेक्टली काम करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है तो इसीलिए जो इन सभी को ख़त्म करने के लिए हमने ट्रैक्टर का यूज़ किया है और ट्रैक्टर से जो हम सफाई करना शुरू किए हैं, ठीक है ना। और देखिए बहुत जगह पे तो सफाई हो चुकी है। तो इसमें जो मैं आपको अपनी कॉस्ट बताता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर देखिए सामने आपको ट्रैक्टर यहाँ पर चल रहा है और वो सफाई कर रहा है, तो ये जो मैंने रेट सेट किया इसको सफाई करने के लिए, वो जो ट्रैक्टर चल रहा है जो सफाई कर रहा है वो एक घंटे का हमसे चार्ज कर रहा है 1300 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 1300 रुपये जो है वो एक घंटे में हमसे चार्ज कर रहा है। इसमें कोई मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा कि ये किस हिसाब से कर रहा है ये या फिर आप किस स्क्वायर फीट से, ठेके वाली कोई बात नहीं इसमें, ये हमारे पास सीधा जो है डायरेक्ट 1300 रुपये घंटे के हिसाब से चल रहा है और एक घंटे में जितना मर्जी सफाई हो, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें हैं हम डायरेक्टली हम आपको कैलकुलेट करके नहीं बता पाएंगे कि एक घंटे में इतने स्क्वायर फुट एरिया इसने कवर किया तो इतने स्क्वायर फुट का इतना अमाउंट जो खर्चा होने वाला, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है लैंड का सिचुएशन पे। यदि लैंड आपका जो है सरफेस प्लेन है ना, बिना किसी एलिवेशन के, क्योंकि इस लैंड में क्या है कहीं पे खड्डा है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, तो इसलिए क्या है ट्रैक्टर जो अपने बहुत हिसाब से चल रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है और कॉस्ट जो हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे लैंड प्रॉपर तरीके से प्लेन है, कहीं पे किसी टाइप का कोई खड्डा वगैरह भी नहीं है, तो वहाँ पर जो आपका काम बहुत ही जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। तो नया कंस्ट्रक्शन साइट हमें भी नहीं पता कहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जो है हम बहुत ही सावधानी, जो भी ट्रैक्टर ऑपरेटर है अपनी भी अपने मशीन को बचाते हुए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे तरफ तो ये रेट है कि एक घंटे में जो है 1300 रुपये लेकर ये जो है हमारा जंगल की जो है सफाई करके दे देगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि आप कभी यदि सिविल इंजीनियर है, आप यदि कभी सफाई करवाए हैं तो आपके जो है एरिया में किस टाइप से जो है ये फॉरेस्ट या जो भी ये जंगलों की सफाई जो किस तरीके से होती है, ठीक है ना। ये जंगल नहीं कह सकते हैं, छोटा मोटा जो देखेंगे छोटे मोटे जो है ये सारे हैं, इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ट्री को या किसी बड़े पेड़ को हम यहाँ पर नहीं काट रहे हैं। यहाँ पर सिंपल जो जंगल वाली चीज़ें हैं जिससे हमारे बिल्डिंग्स को लोकेट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, उससे ही हम लोग ये साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपके एरिया में जो है किस रेट में जो है इस तरीके के जो भी हैं जंगल सफाई होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था, एक थोड़ा सा एक एनालाइज था कि कितना रुपए लगभग आपका जो खर्चा होता है इस छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट को सफाई कराने में, ठीक है ना। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट शुरू होता है उससे पहला टारगेट यही होता है कि इसका जो है प्रॉपर तरीके से सफाई करना।
तो आज की वीडियो का अपडेट फ्रेंड्स इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे साथ जो है जुड़े रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।